छत्तीसगढ़ की रहने वाली जोया मिर्जा ने भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली राज्य की पहली महिला बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। जोया मिर्जा ने 2023-24 में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे से MBBS की डिग्री हासिल की है। अच्छे मार्क्स के साथ MBBS पूरा करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में ये पद प्राप्त हुआ है। उनकी पहली पोस्टिंग जो रविवार को शुरू हुई जम्मू में है, जो सैन्य चिकित्सा में उनके करियर की शुरुआत है। उन्होंने KPS भिलाई से अपनी पढ़ाई पूरी की, इसके बाद वो नीट की तैयारी करने लगी, कोटा में कोचिंग की और लगातार तैयारियों में जुटी रही, फिर पुणे में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से डिग्री पूरी की। 2019 में जोया ने पहली बार 622 अंकों के साथ NTA द्वारा आयोजित नीट क्वालिफाई किया और AFMC को चुनकर कोर्स पूरा किया। AFMC में महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ स्कोर 620 था, जबकि पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 600 अंक था। AFMC में उन्होंने 4.5 साल MBBS का कोर्स किया और सेना में ये पद हासिल किया। अच्छे नंबर्स के साथ MBBS करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में ये पद मिला। प्रदेश की उस होनहार बेटी ने रविवार को जम्मू में अपनी पहली ज्वाइनिंग भी दे दी। जोया के पिता शमी मिर्जा ने अपनी बेटी की उपलब्धियों पर बहुत गर्व जाहिर किया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने के लिए जोया के संपन्न और जुनून की बात की और उनके हिसाब से ये गुण डिफेंस सर्विसेज के लिए और भी जगहों के लिए बहुत लाभकारी है। जोया का कहना है कि उनकी दादी और पिता कहा करते थे कि डॉक्टर और सैनिक दो महान पेशे हैं। एक डॉक्टर बनकर वो लोगों की सेवा कर सकती हैं और डिफेंस सर्विसेज में शामिल होकर वो देश की सेवा कर सकती हैं। जोया मिर्जा अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें दोनों अवसर मिले और अब वो देश की सेवा कर पाएंगी।